केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि जिस व्यक्ति ने भूपेश बघेल को 508 करोड़ दिया है उसने इंटरनेट के माध्यम से सामने आकर खुद ये बात कही है। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि भूपेश जी जिसको जानते हैं उससे 500 करोड़ का घोटाला करते हैं और जिसको नहीं जानते उससे 2000 करोड़ का घोटाला करते हैं। साथ ही मोदी को संस्कारी बताते हुए भूपेश बघेल को असंस्कारी कहा। वहीं बिहार में लालू यादव की पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर प्रहार भी किया और कहा कि वह चारा खाते हैं और ये यहाँ गोबर खाते हैं। बता दें कि बकारा की चुनावी सभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मोदी सरकार की योजनाओं का जमकर बखान किया और इस दौरान लोगों की खूब तालियां भी बटोरी।